एक लड़की थी वीरो, उसके सात भाई थे। सात भाइयों की वीरो एक ही लाडली बहन थी। करवा चौथ की व्रत का दिन आया। वीरो ने अपनी भाभियों के साथ ये व्रत रखा। वीरो को भूखी प्यासी देखकर उसके भाइयों ने जंगल में दूर जाकर आग लगा दी और चांद के जैसी ही रोशनी कर दी। कहा, देख वीरो, तेरा चांद निकल आया है। वीरो ने पूछा, भाभियों का चांद तो नहीं निकला, तो मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि भाभियों का चांद भी निकल आएगा वीरो। इसी भ्रम में आकर वीरो का व्रत टूट गया। वीरो का राजा जैसा पति गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरो को राजा की सुइयां निकालते निकालते एक साल हो गया कि फिर से करवा चौथ का व्रत आ गया। करवड़े बिकने के लिए आए। वीरो ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और इस बार वीरो ने अपने मन में प्रण किया कि जब सबका चांद निकलेगा तो वो सबके साथ ही अपना व्रत खोलेगी। वीरो अपनी दासी को राजा के पास सुइयां निकालने के लिए बैठाकर व्रत की पूजा करने के लिए जाती है। उधर जैसे ही पूजा समाप्त होती है, इधर दासी राजा की आखिरी सुई भी निकाल देती है। गोली थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो गोली बन गई। राजा दासी को ही अपनी रानी समझने लगा। अब वीरो बहुत दुख में पड़ गई। एक दिन राजा परदेश जा रहा था। रानी जो असल में दासी थी वो राजा को बहुत से आभूषण लाने के लिए कहती है और वीरो जो असल में दासी बनी हुई थी वो राजा से केवल एक गुड़िया ही मांगती है।
राजा वापस आकर दोनों को अपनी अपनी चीजें देता है। वीरो जो दासी बनी हुई थी हमेशा अपनी दुख भरी कहानी उस गुड़िया से कहती रहती थी। एक दिन राजा ने वीरो के मुंह से जो दासी थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई ये कहते सुना तो राजा के सामने सारी सच्चाई आ गई। उसी पल राजा ने अपनी वीरो रानी को हृदय से लगा लिया। गणेश जी की कृपा से वीरो रानी के अच्छे दिन आ गए। रानी थी वो रानी बन गई और जो दासी का सुहाग भाग दूध पुत्र और रिज़क के साथ, जैसा भाग वैसा राज। अब सब अपने अपने हाथ में पानी ग्रहण करके अपना करवा मनसो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बेहद पसंद आएगा।